रादौर की अनाज मंडियों में आढ़तियों द्वारा की गई हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई और हड़ताल समाप्त होते ही मंडी में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गया। वहीं हड़ताल समाप्त होते ही किसानों ने भी राहत की सांस ली। बता दें कि हड़ताल के चलते पिछले दो दिनों से अनाज मंडियां सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन अब फिर से मंडियों में रौनक देखने को मिली। अनाज मंडी रादौर में भी मजदूर गेहूं की फसल को उतरवाते व सफाई करते नजर आए। मंडी सुपरवाइजर ने कहा कि तीनों मंडियों में अब तक 35,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। वहीं आढ़तियों ने कहा कि सरकार के दो दिन के मांगे आश्वासन पर खरीद का कार्य शुरू किया गया है। रादौर मार्केट कमेटी के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि दो दिन की हड़ताल के बाद अब मंडी में खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि रादौर अनाज मंडी सहित इसके अधीन आने वाले गुमथला व जटलाना सब यार्ड में अब तक 35,000 गेहूं की आवक हो चुकी है। रादौर अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान संजय गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि दो दिन के बाद संगठन द्वारा जो भी आदेश प्राप्त होते हैं उसी आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। वहीं आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली। रादौर अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंचे एक किसान रोहित कुमार ने बताया कि दो दिन से हड़ताल के कारण उनकी फसल नहीं बिक सकी, लेकिन अब हड़ताल खत्म होने के बाद खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिक्कत तो बहुत आई जी, जैसे कि तीन तीन चार चार दिन हो गए ट्रैलियों में। वैसे पहले तो गिल्ले की दिक्कत थी, अब सूखा नहीं है माल, और दो दो तीन तीन दिन मंडी इसमें ट्रैली में बंद करके रखे माल, वैसे ख़राब हो जा। फिर अब मंडी में लेके आए, अब ये चिद्दी करके गिर रखी सारी, देखो वैसे नमी खा गई है, परेशानी का तो बहुत सामना करना पड़ा। हड़ताल खुली है तो राहत भी है? हाँ, जैसे हड़ताल खुली उससे तो राहत है कुछ। हाँ जी, अब काफ़ी किसान आए आज यहाँ मंडी में। देखिए, रादौर मार्केट कमेटी के अंतर्गत तीन मंडियाँ आती हैं, जैसा आपको पहले ही पता है, रादौर, जटलाना और गुमथला। इसमें से जटलाना और गुमथला राव दोनों सभी यार्ड हैं। अभी तक तीनों मंडियों में मिलाकर लगभग 35,000 क्विंटल गेहूं आ चुकी है, जिसमें से 16,000 क्विंटल को सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जा चुका है। पिछले दो दिनों से स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन आज तीनों मंडियों में खरीद सुचारू रूप से चालू हो चुकी है, तो किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तीनों मंडियों रादौर, जटलाना व गुमथला राव में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं को खरीदा। ट्रेड बॉडी के जो पदाधिकारी थे उनको सरकार ने वहाँ उच्च अधिकारी से बात करने के लिए चंडीगढ़ बुलाया। रात को वो गए, उनसे उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को डिटेल से उनको बताया। उन्होंने भी उन समस्याओं को बड़ी ध्यान से सुना। उन्होंने यही कहा है कि हम इन समस्याओं के समाधान के लिए एक दो दिन में बैठ के सारी बात करके जो भी आपकी समस्या है उनका हम उचित समाधान हर चीज़ का करेंगे, और उसको आपको दो दिन में आप पूरी रिपोर्ट दे देंगे। फिर भी अगर प्रशासन हमारी इन बातों को लेके दोबारा फिर भी कोई इनका समाधान नहीं करता तो स्टेट बॉडी जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।